जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम की कार्यशैली की जमकर की तारीफ। मौके पर ग्रामीणों की समस्या का हो रहा है समाधान। उपखंड अधिकारी घड़साना रामावतार कुमावत द्वारा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय 2 आरकेएम एवं चक 2 पीएसडीबी में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई की बड़ी और खास बात यह रही, क्षेत्र में पहली बार किसी उपखंड अधिकारी की आमजन में प्रशंसा हो रही है। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहली बार कोई ऐसा अधिकारी आया है जो आमजन से व्यक्तिगत मिलकर एक एक व्यक्ति की समस्याएं सुन रहा है और उनकी समस्या का तुरंत प्रभाव से निस्तारण भी हो रहा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक क्षेत्र में इसी तरह अधिकारी हों तो आमजन की हर समस्या का समाधान है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार भी खत्म हो सकता है, आमजन को हर एक सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। ग्रामीणों का कहना था कि आज तक जो बातें उन्हें नहीं पता थी या जो कार्य उनके नहीं हो रहे थे वह आज तुरंत प्रभाव से हुए हैं। इस जन सुनवाई में लोगों को विभागों के अधिकारियों ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को अवगत करवाया। इस मौके पर एसडीएम ने ग्रामीणों की आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत बिजली, पानी, कृषि आदि से संबंधित समस्याओं को सुना। ग्राम पंचायत 2 आरकेएम में ग्रामीणों द्वारा टीबी की बीमारी के बारे में अवगत करवाया, जिस पर तत्काल ही उपखंड अधिकारी द्वारा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे 3 दिन में गाँव में विशेष कैंप लगाकर लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएं। इसके साथ साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में सर्वे एवं सत्यापन करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी ने कार्य न करने वाले कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि वे ईमानदारी से आमजन के लिए कार्य करना शुरू करें। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें, चाहे बालक हो या बालिकाओं ने स्कूल अवश्य भेजें, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें। इस अवसर पर तहसीलदार दानाराम लूना व सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे।